हेलो यूनिवर्स में सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब इंग्लिश सीखते समय अगर इंसान सबसे पहले इंग्लिश में कुछ लगाना सीखता है ना तो वो है आईएनजी। राम इज गोइंग, राहुल इज गोइंग, आई एम कमिंग, यू आर बातिंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में पांच ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आईएनजी लगाने पर 5 साल की सजा हो सकती है। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मेरा मतलब बेइज्जती हो सकती है। अगर आप वहां पर आईएनजी लगाएंगे और कोई अच्छी इंग्लिश जानने वाला उस सेंटेंस को पढ़ ले तो फौरन समझ जाएगा कि आपकी इंग्लिश वीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं उन 5 सिचुएशंस के बारे में कि जहां पर आईएनजी नहीं लगाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं 5 ऐसी सिचुएशंस की जहां पर आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब हमारा पहला वर्ड है नो, और नो की हिंदी होती है जानना, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आपको इसकी सिचुएशन पता है कि आप जिंदगी में नो के साथ कभी आईएनजी लगा हुआ कहीं नहीं देखेंगे, आपने देखा ही नहीं होगा, और अगर देखा है तो उस पेज को प्लीज फाड़ दो, गलत लिखा हुआ है। नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे मैं से जान रहा हूं, अब इसमें लास्ट में रहूं आ रहा है और सामने वाले को बताया रहा हूं यानी कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन भैया अगर नो की बात हो रही है तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर मैं जान रहा हूं कि इंग्लिश ऐसे लिखेंगे आप आई एम नोइंग हिम या हर भी कर सकते, तो ये गलत है। नो के साथ ऐसे आईएनजी पाईएनजी कभी नहीं लगाते, ये नॉर्मल ऐसे ही बनेगा आई नो हिम। आप कहेंगे इसकी तो हिंदी ये हुई ना, मैं जानता हूं उसे जानता हूं, ये रहा हूं कहां से हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो रहा हूं कहलाएगा। बस ये याद रखना नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगाते हैं। ऐसे ही पास्ट में अगर लिखा है जैसे मैं उसे जान रहा था, अब रहा था मैं सोचो तुम वास लगा के नोइंग कर दूं, आई वाज नोइंग हिम, तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। वह पास्ट में ऐसे बनेगा आई न्यू हिम, नो की सेकंड फॉर्म नॉर्मल तरीके से बनेगा, सिंपल तरीके से। नो के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। अगर हिंदी में कोई ऐसा वाक्य है जिसमें इंग्लिश में आईएनजी लगनी होती है जैसे रहा वाला है, तब भी इंग्लिश में उसे सिंपल तरीके से आते हैं। तो पहली सिचुएशन याद रखना, नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगाते। चलो अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन देखो। और भैया नेक्स्ट सिचुएशन है थिंक के साथ, और थिंक का हिंदी में मतलब होता है सोचना, आपको पता होगा। अब सोचना यानी थिंक एक ऐसा वर्ड है कि जो अगर हिंदी में भले ही कंटीन्यूअस टेंस में हो लेकिन फिर भी इंग्लिश में थिंक के साथ आईएनजी लगाना मतलब बिल्कुल वैसा ही है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। मुझसे तो कहावतें भी नहीं आती ढंग की, पता नहीं कहां मैं सोच के एकदम मैंने ये दिया। तो जैसे मान लो लिखा है मैं सोच रहा हूं, अब इसे ज्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं आई एम थिंकिंग, लेकिन भैया हायर इंग्लिश में ये सेंटेंस देख के सामने वाला ऐसा ऐसेगा तो ये गलत है, आई एम थिंकिंग ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा आई थिंक। अब आपके भेजे में एक और सवाल होगा, आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूं, ये मैं सोच रहा हूं कहां से हो गया। लेकिन भैया यही तो इंग्लिश का रूल है, उसका कोई सर पैर नहीं होता है, इसलिए तो ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं मैं। ये आई थिंक का मतलब मैं सोच रहा हूं भी होता है। तो कभी भी आपको कहना है मैं सोच रहा हूं तो ऐसे बोलेंगे आई थिंक मैं सोच रहा हूं तुम्हें जाना चाहिए, आई थिंक यू शुड गो। ऐसे ही पास्ट में मैं सोच रहा था तो ऐसे नहीं होगा आई वॉज थिंकिंग, बल्कि ऐसा होगा आई थॉट मैं सोच रहा था तुम्हें जाना चाहिए, आई थॉट यू शुड गो। तो ध्यान रखना, और अगर तुम्हें लग रहा नहीं है हजम नहीं हो रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, तो भैया कोई सा भी पाउडर खाओ, चूर्ण खाओ, दवाई खाओ, हजम करो, क्योंकि यही सही तरीका है। थिंक के साथ आई एन जी नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वाला रूल देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है वांट, और वांट का हिंदी में मतलब होता है चाहना यानी कोई काम करना चाहना। और वांट अंग्रेजी का एक ऐसा वर्ड है कि जिसके साथ आप आईएनजी कभी भी लगा हुआ नहीं देखेंगे। क्या आपने कभी कहीं वांटिंग लिखा हुआ देखा है? सोचो, भेजे पर जोर डालो, भूल जाओ फिल्में विल्में, याद करो क्या तुमने देखा है? देखा है क्या? अच्छा ठीक है, देखा होगा पर वो गलत लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तो वांट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप कभी आईएनजी लगा हुआ नहीं देखेंगे और ना ही आप कभी यूज करना। अब जैसे मान लो हमारा सेंटेंस है मैं जाना चाह रहा हूं, अब देखो इसमें रहा हूं आ रहा है, कंटीन्यूअस टेंस है, आईएनजी लगाने की जरूरत होगी, लेकिन वांट के साथ नहीं लगेगा। अगर आप लिखते हैं आई एम वांटिंग टू गो, अब देखो वांट में आईएनजी लगा दिया आपने, गलत हो गया, रॉन्ग है। कोई अच्छा पढ़ा लिखा मुझ जैसा जरा हैंडसम
भी हूँ, मतलब पढ़ा लिखा भी हूँ, दोनों तरीके का कोई इंसान देखेगा ना तो फौरन काट देगा। अब इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाह रहा हूँ या मैं जाना चाहता हूँ, कुछ भी लिखा हो, आई एन जी वाई एन जी के साथ नहीं बनाएंगे, सिंपल रहेगा। आई वॉन्ट टू गो और थोड़ा स्टाइल में बोल दो आई वाना गो, वॉन्ट टू गो वाना भी बोल सकते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। अब मान लो ये पास्ट में है, मैं आना चाह रहा था, अब ऐसे नहीं बोलेंगे आई वॉज वॉन्टिंग टू कम, वॉन्टिंग नहीं आई वॉन्टेड टू कम, वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। तो याद रखेंगे जब भी वॉन्ट आए और आपको हिंदी में कोई कॉन्टिन्यूस टेंस रहा है, रही वाला रहा था रीति वाला दिखाई दे रहा है तो अंग्रेजी में वॉन्ट के साथ आई एन जी नहीं लगाएंगे बल्कि उसको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ही बना देंगे। ध्यान रखना, कमाल की जानकारी थी। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे लाइक का बटन भी दबा देना, नेक्स्ट वाला देखो। अब भैया नेक्स्ट वाला है लीव, और लीव का हिंदी में मतलब होता है रहना, लीव माने रहना। और लीव के साथ भी यही सिचुएशन है कि जहां भी दिल चाहे मुंह उठा के ing लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, इसके साथ भी ing लगाना मना है। अब मान लो हमारा एक सेंटेंस है, वह मुंबई में रह रहा है, अब इसके लास्ट में आ रहा है रहा है, तो आपको लगेगा अरे लिख दो he is living in मुंबई, रहे रहिए के लिए इस्तेमाल और ing लगा दो। गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसे नहीं बनाते हैं, आपको बता रहा हूं लीव के साथ कभी ing मत लगाना। इसकी इंग्लिश ये होगी he lives in मुंबई, he lives in मुंबई। अब आप कहेंगे he lives in मुंबई, अरे इसका मतलब तो ये हुआ ना वह मुंबई में रहता है, रहा है कहां से हो गया, ये आपकी गलतफहमी। आपको ये लगता है जैसा सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में भी वैसा ही रहेगा, रहा है तो इंग्लिश में भी रहा है, ता है तो इंग्लिश में भी ता है वाला बनेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, लीव भी उन्हीं में से एक है, कि जिसकी हिंदी चाहे कैसी भी हो लेकिन अंग्रेजी में वो सिंपल तरीके से ही बनता है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि यहां पर है वह दिल्ली में, सॉरी मुंबई में रह रहा है, इंग्लिश होगी ही लीव्स इन मुंबई, ना कि लिविंग इन मुंबई। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे कहना है मैं दिल्ली में रह रहा था, तो आप कहेंगे अरे आई वॉज लिविंग इन दिल्ली, और आपके यार दोस्त खुश हो है, वो तो तुम्हारे साथ ही चिली पटेटो खाते ना, उनकी इंग्लिश से तुम्हारे साथ रह रहे के बर्बाद है, वो कहेंगे भाई क्या इंग्लिश बोल रहा, हमारा भाई बहुत बढ़िया, आई वॉज लिविंग इन दिल्ली। गलत है, ऐसे नहीं बनेगा, इसकी सही इंग्लिश होगी आई लिव्ड इन दिल्ली, लिव की सेकंड फॉर्म आई लिव्ड इन दिल्ली। तो भले ही रहा है रही आए रहा था रही थी आए, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट वाला है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से, पास्ट वाला है तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से। तो ध्यान रखना लीव के साथ कभी भी भूल कर भी आईएनजी मत लगाना, और अगर कोई कह दे आई एम लिविंग इन गुजरात, आई एम लिविंग इन पंजाब, आई एम लिविंग इन दिल्ली, वहीं समझ जाना भाई लीव बाद में करिए, अंग्रेजी ठीक कर ले, लीव के साथ आईएनजी नहीं लगाते, ऐसे बोल आई लिव इन पंजाब, आई लिव इन गुजरात, आई लिव इन दिल्ली, समझ गए। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया लास्ट वाला है रीड, आपका हमारा चहिता, इसे तो अच्छी तरीके से आप जानते ही होंगे, रीड का हिंदी में मतलब होता है पढ़ना, ये भी आपको मालूम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं रीड के साथ दो सिचुएशंस है, एक ये कि आईएनजी लगा सकते हैं और दूसरी ये कि आईएनजी लगाना मना है वरना गलत हो जाएगा। मैं आपको एक एक करके दोनों सिचुएशन समझाता हूं। पहले सिचुएशन समझो कि आईएनजी कब लगाते हैं। अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा और उस समय वो काम आप कर रहे हैं तो बताते समय रीड में आईएनजी लगेगा, अगर कर रहे हैं तो। और अगर आपसे किसी ने कुछ पूछा और वो काम आप उस वक्त नहीं कर रहे हैं तो आईएनजी नहीं लगेगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भैया बराबर में बैठा है, अचानक से किसी ने पूछ लिया ये क्या कर रहा है ये, आपने कहा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यानी उस वक्त उसके हाथ में किताब थी, किसी ने पूछा क्या कर रहा है, आपने बताया दिखाई दे रहा वह पढ़ रहा है, तो इस वक्त ये काम कर रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे he is reading, ing लगेगा। अब मान लो दूसरा बंदा आया, वो कहेगा भाई ये पढ़ता ही रहता है, क्या कर रहा है आजकल, तो आप कहेंगे यह 12वीं में पढ़ रहा है, अब इस वक्त 12वीं में थोड़ी, मतलब 12वीं में है, रोज स्कूल जाता है, अभी तो किताब पढ़ रहा है ना, प्रेजेंट में वो काम थोड़ी कर रहा है, तो यह काम बैकग्राउंड में चल रहा है। तो यहां पे he is reading in 12th लगाना गलत है, he reads in 12th class, he reads, अब देखिए 12वीं में पढ़ रहा है आने के बावजूद भी आईएनजी नहीं लगा। एक और एग्जांपल देखो, मान लो आप रामायण लिए बैठे हुए थे, उसे पढ़ रहे थे, अचानक किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, आपने कहा जी मैं रामायण पढ़ रहा हूं, अब आप उस वक्त ये काम कर रहे हो ना, यानी रामायण पढ़ रहे हो ना, तो ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो आप कहेंगे आई एम रीडिंग रामायण, आई एम रीडिंग, आईएनजी देखो यहां पर लगाना पड़ा। और मान लो आप टीवी देख रहे थे, वो कहता है क्या काम कर रहा है, कुछ कर भी रहा है, तो आपने टीवी बंद करके हां जी आजकल रामायण ला के रखी हुई है, शाम के वक्त में आजकल रामायण पढ़ रहा हूं, अब
यहां पर भी सेम कंडीशन, आपने कहा मैं रामायण पढ़ रहा हूं लेकिन इस वक्त नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसको अपना शेड्यूल बता रहे हैं कि ये काम आप कर रहे हैं, ये काम चालू है आपकी लाइफ में, तो यहां पर इसे कहेंगे आई रीड रामायण द रामायण, क्योंकि धर्म ग्रंथों के साथ द लगाते हैं। तो याद रखना, कोई काम आप वाकई में उस टाइम उसकी आंखों के सामने कर रहे हैं तो रीड में आईएनजी लगेगा, और पढ़ने का काम या जो भी काम है आप नहीं कर रहे हैं तो रीड में आईएनजी नहीं लगेगा। और समझ में अगर अभी भी नहीं आया तो मैं नहीं समझाऊंगा, इस वीडियो को 30-40 दफा रिवर्स कर करके देखना, एक दफा तो समझ में जरूर आ जाएगा। तो भैया ये थी आज की वीडियो 5 ऐसे सिचुएशंस के बारे में कि जहां पर इंग्लिश में आईएनजी नहीं लगता है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो देखकर बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी, और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी पाना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जहां पर क्लिक करते ही आप एक पीडीएफ फाइल तक पहुंच जाएंगे। उस पीडीएफ में जो भी आज मैंने पढ़ाया है वो सब प्लस आईएनजी के बारे में कुछ और जानकारी बढ़िया बढ़िया सी दी गई है, जिसे देखकर आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। अब भैया पहला काम ये कि पीडीएफ डाउनलोड करो, दूसरा ये कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ के आओ, मैं सभी कमेंट्स को हर्ट देता हूं, ये तो आपको पता ही है। और उस पीडीएफ को और इस वीडियो को गली के हर एक उस लड़के के साथ शेयर करना जो आधार कार्ड में बेहद इंतहा खूबसूरत दिखता है, और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।